हेलो एवरीवन, आज है 27 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यस बैंक के बारे में। देखिए, यस बैंक के शेयर में आज 10% की भयंकर गिरावट देखने को मिली है। एफपीओ लॉन्च होने के बाद शेयर ने एक के बाद एक नया लो बनाया है। इवन हम कह सकते हैं कि पिछले एक हफ्ते में 50% से भी ज्यादा ये शेयर टूट चुका है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यस बैंक के शेयर में गिरावट आखिर क्यों आ रही है और खरीदारी करने का सही मौका है कि नहीं, और जिन्होंने खरीदारी की है उनको यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो देखिए, वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यस बैंक का शेयर अभी 12 रुपए 30 पैसे के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आज भी 10% की भयंकर गिरावट देखने को मिली है। और ऐसी गिरावट है कि लोग बेचना चाहते थे लेकिन किसी को बेचने तक का भी मौका नहीं मिला, क्योंकि कोई खरीदार तैयार था ही नहीं। यहाँ पर पिछले एक महीने की हम बात करें तो पिछले एक महीने में 54% तक की यहाँ पर गिरावट देखने को मिली। 27 रुपए से कंटिन्यू शेयर टूटा है और आप देखिए आधे से भी ज्यादा यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है, और पिछले एक हफ्ते के अंदर ये शेयर आधा टूट चुका है। अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो ये वो वक्त था जहां पर मैं आपको अवॉइड करने की सलाह दे रहा था। इससे पहले आपको देखिए 13 जुलाई को मैंने वीडियो बनाया था और तब शेयर 22 रुपए के ऊपर था, और मैंने कहा था कि भैया अवॉइड करो, खरीदने की जल्दबाजी यहाँ पर बिल्कुल भी मत करो। एफपीओ आ रहा है, 12 रुपए के भाव पर शेयर मिल रहा है, तो आप क्यों 22 रुपए 21 रुपए पर खरीदारी करने की कोशिश करोगे। उसके बाद मैंने एक और वीडियो बनाया था जब शेयर 20 जुलाई को बनाया था, जब शेयर 19 रुपए के आसपास ट्रेड करा था, तब भी मैंने अवॉइड करने की सलाह दी थी, और तब भी मुझे हालांकि काफी ज्यादा डिसलाइक भी आए थे वीडियो को, काफी थोड़ी बहुत गालियां भी पड़ी थी, लेकिन फिर भी मैंने उस वक्त भी कहा था कि यहाँ पर खरीदारी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि आप खुद सोचिए कि एक तो मार्केट में बहुत सारे शेयर्स यस बैंक के ऑलरेडी अवेलेबल है, उसमें से जितने शेयर है उससे 5 गुना ज्यादा शेयर अगर डंप किए जाएंगे, हालांकि पैसा जुटाने के लिए ही यहाँ पर इक्विटी इश्यू की गई है, लेकिन फिर भी अगर आप सोचें कि 5 गुना ज्यादा शेयर्स अगर यहाँ पर डाले जाएंगे तो शेयर के ऊपर प्रेशर तो पड़ेगा। एक और वीडियो उसके बाद में था, 18 रुपए के ऊपर था, तब भी मैंने यहाँ पर अवॉइड करने की सलाह दी थी, और तब भी हालांकि थोड़ा सा मतलब कुछ वहां पर भी काफी नेगेटिव कमेंट्स भी आए थे, लेकिन फिर भी मुझे ये लगता है कि आपको यहाँ पर समझना चाहिए, नॉर्मल सी चीज है कि बैंक इतना नीचे क्यों टूट रहा है। सबसे पहला सवाल, इतना नीचे बैंक क्यों टूट रहा है? रीजन सिंपल है यहाँ पर कि बैंकिंग सेक्टर के ऊपर प्रेशर है, दूसरा बैंक को चलाने के लिए इनको प्रेशर, इनको पैसा चाहिए, ठीक है, लिक्विडिटी इनको चाहिए, और लिक्विडिटी कहाँ से आएगी? पैसा तो उनके पास उतना ज्यादा है नहीं, तो पैसा आएगा फंड रेजिंग के द्वारा। फंड रेजिंग के लिए उन्होंने एफपीओ निकाला, मतलब पब्लिक से पैसा लिया, ठीक है, और प्राइस इश्यू की गई 12 से 13 रुपए की। तो आप खुद सोचिए कि जब शेयर 26 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा था तब एफपीओ की उन्होंने अनाउंसमेंट की 12 रुपए के ऊपर 13 रुपए के ऊपर प्राइस शेयर ऑफर करने की बात हुई, तब डेफिनेटली मार्केट उसको एवरेज करने की कोशिश करेगा। इससे पहले भी जब यस बैंक क्राइसिस आया था तब एक बहुत बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली थी। आप देखिए पिछले एक साल का अगर हम मैं आपको ग्राफ दिखाऊं तो एक साल में देखिए शेयर 96 रुपये से टूटा है। यस बैंक 16 रुपए तक चला गया था लेकिन बाद में उसको रिवाइव करने की कोशिश की गई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सबसे बड़ा यहाँ पर अहम रोल अदा किया और बैंक में एक बहुत बड़ी हिस्सेदारी खरीदी, कंट्रोलिंग स्टेक अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास है और 48% से भी ज्यादा की होल्डिंग अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास है। लेकिन उस वक्त भी मैंने आपको कहा था कि इसमें खरीदारी करना मतलब आप एक ट्रैप में फंस रहे हो, क्योंकि उस वक्त भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को और बाकी सारी जो बैंक आई थी रेस्क्यू करने के लिए उनको 10 रुपए के भाव से शेयर दिया गया था, और शेयर में इतनी बड़ी रैली आ गई, 60 रुपए तक पहुंच गया। तब भी ये जब शेयर में रैली आ रही थी तब भी मैंने कहा था कि ये मौका है आपके पास कि आप शेयर को बेच के निकल जाओ। उस वक्त भी मैंने कहा था कि मौका है, बेचो और निकलो यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर बैंक इसीलिए खरीदारी कर रहा था क्योंकि उनको 10 रुपए के भाव से शेयर मिल रहे थे, 10 रुपए के भाव से उनको शेयर मिल रहे थे इसलिए खरीदारी कर रहा था, और बैंक का अपना भी खुद का स्वार्थ था। आप खुद यहाँ पर सोचिए कि अगर यस बैंक जैसा कोई बड़ा बैंक डूबता है तो लोगों का जो बैंकिंग सेक्टर से भरोसा है वो उठ जाता है, लोग अपना पैसा बैंक में सेफ महसूस नहीं करेंगे, तो इसीलिए बैंकिंग सेक्टर से भरोसा ना उठे इसीलिए बाकी बैंकों ने भी यहाँ पर पार्टिसिपेट किया और यस बैंक में खरीदारी की, और 10 रुपए के मामूली भाव पर शेयर मिल रहा था तो खरीदारी कर ली इन लोगों ने। यहाँ पर आप देखिए आज की जो अपडेट है वो ये है,
यस बैंक में 10% की गिरावट आई। एफपीओ शेयर ने आज डेब्यू किया है एक्सचेंज में उसके बावजूद, और उसमें भी अगर हम यहाँ पर देखें तो 15,000 करोड़ रुपए तक का वो लोग फंड रेज करने वाले थे। 15,000 करोड़ रुपए तक का ये इनका फंड रेजिंग का प्लान था, और 12 से 13 रुपए के प्राइस पर यहाँ पर शेयर इश्यू किया गया था। अगर हम यहाँ पर देखें कि अभी भी पेंडिंग ऑर्डर से बेचने के, मतलब देर वर पेंडिंग सेल ऑर्डर 241, मतलब अगर हम यहाँ पर देखने की कोशिश करें तो तकरीबन 4 करोड़ से भी ज्यादा का पेंडिंग ऑर्डर है जिसको कोई बायर नहीं मिल रहा है। 4 करोड़ जितने ऑर्डर्स अभी भी पेंडिंग है जिसको कोई बायर नहीं मिला है, कोई बायर अभी भी इनको नहीं मिला है, ये बात हमें यहाँ पर ध्यान देनी चाहिए। 95% सब्सक्राइब हुआ है टोटल, अगर हम बात करें तो बैंक ने 14,272 करोड़ रुपए जुटाए हैं इससे। और एक चीज है कि इससे क्या होगा कि जो बैंक में खातेदार है, मतलब जिसका बैंक में अकाउंट है, उसको यहाँ पर फायदा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बैंक को के पास पैसा आएगा, बैंक के पास लिक्विडिटी होगी, तो बैंक को चलाने के लिए एक पैसा इनके पास मिल जाएगा, जिससे जो भी इनके अकाउंट होल्डर्स है उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो शेयर होल्डर्स है उनको थोड़ी बहुत समस्या यहाँ पर जरूर आएगी, क्योंकि शेयर का प्राइस गिरेगा, शेयर का प्राइस यहाँ पर जरूर गिरेगा। रीजन यहाँ पर सिंपल है कि जैसे कि मैंने कहा कि पहले जितने शेयर्स थे उससे 5 गुना शेयर्स अब मार्केट में यस बैंक के आ चुके हैं। तो जब इतने सारे शेयर्स यहाँ पर आएंगे तो बैंक को ज्यादा मुनाफा कमाना पड़ेगा, और बैंक उतना मुनाफा कमाएगा कि नहीं, वो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल है। मिड कैप स्टॉक है ये, 15,400 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। आज अगर हम देखेंगे तो तकरीबन 30 करोड़ के आसपास का हमें वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिला है। शेयर होल्डिंग की मैं बात करूँ तो भैया हर कोई यहाँ पर बेच के निकल रहा है, प्रमोटर तो यहाँ से निकल ही गए, एक भी शेयर प्रमोटर के पास नहीं है। एफआईएस ने भी जब शेयर में गिरावट आई थी तब एफआईएस ने भी स्मार्ट मूव प्ले किया और एक थोड़ी बहुत होल्डिंग बेच दी। 1.66% की होल्डिंग एफआईएस के पास है, 0.56% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है। यहाँ पर हम अगर देखेंगे तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे बड़े हाईएस्ट पब्लिक शेयर है, जिनके पास 48.21% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। यस बैंक के बारे में अगर हम बात करने जाए तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी अच्छी नहीं है, अभी भी अच्छी टेक्निकल रेटिंग नहीं है, और आने वाले कुछ दिनों तक वो अच्छी भी नहीं रहेगी। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 26% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 40% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं, 4% लोग यहाँ पर होल्ड करने की बात कर रहे हैं। नतीजे की मैं बात करूं तो भैया हर क्वार्टर में पिछले 5 क्वार्टर में देखे तो बड़े नुकसान इनको हुए हैं। 3,631 करोड़ का लॉस मार्च क्वार्टर में था, दिसंबर में 18 करोड़ का लॉस हुआ, सितंबर में 630 करोड़ का लॉस हुआ, और इससे पहले भी मार्च 2019 में 1,500 करोड़ का इनको नुकसान हुआ था। तो कंपनी मुनाफा, मतलब बैंक को मुनाफा नहीं हो रहा है और लॉस हर क्वार्टर में ज्यादा हो रहा है। तो यहाँ से आप खुद सोचिए कि जब इतने बड़े लॉसेस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं तो इनका जो एनपीए है वो यहाँ पर बढ़ सकता है, और तो ऐसे पेंडेमिक के सिचुएशन में, से कोविड के पेंडेमिक के सिचुएशन में इनके जो एनपीए है वो और ज्यादा बढ़ सकते हैं, और जो लॉसेस है वो और ज्यादा यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएंगे। प्रमोटर आप खुद देखिए, खुद यहाँ पर निकल चुके हैं, 0% अब होल्डिंग बची है प्रमोटर के पास, एग्जिट हो चुके हैं पूरे की पूरी होल्डिंग, यहाँ से उन लोगों ने अपने कार्ड दी है, मुनाफा ले लिया और भाग गए प्रमोटर। एफआईएसजी की जो 26% की होल्डिंग थी आज 1.66% में सिमट के रह चुकी है। म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी के पास भी बहुत ही मिनिमम क्वांटिटी, 9% की होल्डिंग रखने वाला इंश्योरेंस कंपनी आज इनके पास 1.67% की होल्डिंग है, और 9.26% की होल्डिंग रखने वाले म्यूचुअल फंड आज 0.56% की होल्डिंग लेके बैठे हैं। अगर अगर इतना ही फंडामेंटली स्ट्रांग होता तो आप खुद सोचिए कि बड़े फंड हाउसेज यहाँ पर क्यों खरीदारी क्यों, मतलब क्यों यहाँ से एग्जिट कर जाते। लेकिन फिर भी यस बैंक ऐसा बैंक नहीं है जो बर्बाद हो जाएगा, जी नहीं, यस बैंक बर्बाद नहीं होगा और ना ही बंद होगा। तो यस बैंक तो बर्बाद नहीं होगा, तो ये सोचना यहाँ पर कि शेयर टूट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। बैंक कभी बंद नहीं होगा, ये बैंक चलता रहेगा, और लॉन्ग टर्म में शायद रिवाइव भी हो जाए, लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा प्रेशर इसके ऊपर जरूर बनेगा, और उसका जो खामियाजा है वो शेयर होल्डर्स को भुगतना होगा, ना कि बैंक के अकाउंट होल्डर को, क्योंकि उनका पैसा सेफ है, क्योंकि बैंक ने पैसा जुटा लिया है, अच्छा खासा पैसा इन्होंने एफपीओ से जुटाया है, फिर और भी जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पैसा आया था, बाकी सारे बैंकों से पैसा था, उससे उसके लिए एक जो लिक्विडिटी चाहिए पैसों की वो एटलीस्ट उनके पास है, कि बैंक आने वाले कम से कम 1-1.5 साल तक तो अपना जो कामकाज है उसको कर सके। लेकिन दिक्कत होगी शेयर होल्डर को के लिए, क्योंकि शेयर होल्डर में सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर यह है कि पहले जितने शेयर थे उसके कंपेरिजन में 5 या 6 गुने ज्यादा शेयर यहाँ पर अब आ चुके हैं, तो बैंक को और ज्यादा पैसा उसके लिए कमाना पड़ेगा, जो हालांकि अभी के वक्त में काफी ज्यादा मुश्किल दिखाई दे रहा है। तो आने वाले कुछ दिनों के लिए शेयर्स के ऊपर प्रेशर जरूर पड़ेगा, तो मैं खरीदारी की सलाह यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ, लेकिन अगर आपने एक बड़े लेवल से खरीदारी की है तो मैं आपको लॉस बुक करके निकलने की भी एडवाइस नहीं दूंगा। मेरे हिसाब से आपको यहाँ पर बने रहना चाहिए, लेकिन हाँ
आपको लंबा इंतजार करना पड़ेगा रिवाइव होने के लिए, काफी लंबा आपको इंतजार यहाँ पर करना पड़ेगा। लेकिन फ्रेश बाइंग की सलाह मैं बिल्कुल नहीं दूंगा और ना ही यहाँ पर आपको एवरेज करने की सलाह दूंगा। अभी सबसे बेहतर चीज होगी यस बैंक में वेट एंड वॉच, जल्दबाजी करना बिल्कुल भी यहाँ पर सही नहीं होगा। लालच में आकर पैसे लगा देना बहुत ही अच्छा डिसीजन नहीं होगा, और जल्दबाजी में आकर यहाँ पर पैनिक में आकर एग्जिट करना भी एक अच्छा डिसीजन यहाँ पर नहीं है। तो मैं यही कहूंगा कि खरीदारी मत करिए, लेकिन खरीदारी की हुई है एक बड़े लेवल से तो पैनिक में आकर बेचने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन आपको एक लंबा इंतजार करना पड़ेगा, ये बात तय है। ये बैंक बर्बाद नहीं होगा, ये बात भी तय है। यहाँ पर तो कुछ चीजें आप यहाँ पर जान ले तो ज्यादा बेहतर होगा। बैंक शेयर होल्डर्स को थोड़ी सी तकलीफ होगी, अकाउंट होल्डर को यहाँ पर कोई तकलीफ नहीं होने वाली है, ऐसा मेरा मानना है। शेयर में अभी भी गिरावट आ सकती है, अभी भी शेयर 11 रुपए तक पहुंच सकता है। याद रहे जब शेयर 26 रुपए के ऊपर था तब मैंने कहा था कि 15 रुपए तक जा सकता है, और जब शेयर 18 रुपए के ऊपर था तब मैंने कहा था कि 12 रुपए तक जा सकता है। अब जब 12 रुपए पर है तो मुझे लगता है कि 11 रुपए के आसपास ये शेयर अभी जा सकता है आने वाले 1-2 दिनों में। तो खरीदारी करने की सलाह बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन खरीदारी की है तो पैनिक में आकर बेचने की भी जरूरत नहीं है। आपको थोड़ा लंबा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में एटलीस्ट शेयर 12-13 रुपए से तो ऊपर ही आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिल जाएगा। मैं लॉन्ग टर्म की बात करूं, मैं शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहा हूं। तो इसी साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और यस बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट पर लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।